नमस्कार, भारत के पहले मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। इस खास न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलीखो पुल की संदिग्ध हालत में मौत, पंखे से लटका हुआ मिला शव, आत्महत्या करने की आशंका, कुछ समय से डिप्रेशन में थे। मणिपुर में एरोम शर्मिला आज खत्म करेगी अनशन, 16 साल से थी भूख हड़ताल पर, मणिपुर से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम हटाने की कर रही है मांग। कश्मीर पर पाकिस्तान का एक और पैतरा, अपनी स्पेशल आजादी ट्रेन पर लगाए आतंकी बुरहान वानी के पोस्टर, बुरहान को बताया शहीद। रिजर्व बैंक ने पेश की मौद्रिक समीक्षा, गवर्नर रघुराम राजन की आखिरी मौद्रिक समीक्षा, ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव, महंगाई दर के 5% के पार होने का अनुमान। और विवादित साउथ चाइना सी में चीन ने दिखाया अपना दमखम, इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को दिखाया अंगूठा, अपने कब्जे वाले द्वीपों पर एयरक्राफ्ट की संख्या बढ़ाई। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलीखो पुल का शव उनके घर में पंखे से लटका मिला है। 47 साल के कलीखो पुल के सुसाइड करने का संदेह जताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कलीखो पुल ने रात को सुसाइड किया, उस वक्त उनकी पत्नी घर के दूसरे कमरे में थी। वो मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बावजूद अब भी सीएम बंगले में अपने 5 बच्चों के साथ रह रहे थे। युवा कलीखो पुल इस साल 19 फरवरी से 13 जुलाई तक अरुणाचल के मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन अरुणाचल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था। बीजेपी के समर्थन से वे राज्य के सीएम बने थे। बताया जा रहा है कि वे कुछ समय से डिप्रेशन में थे। कलीखो पुल 1995 के बाद से लगातार 5 बार विधानसभा चुनाव जीते थे। अंजो जिले के हवाई से आने वाले कलीखो मुख्यमंत्री गेगांग अपांग के कार्यकाल में वित्त मंत्री थे। मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम हटाने की मांग लेकर पिछले 16 सालों से भूख हड़ताल पर बैठी एरोम शर्मिला आज अपना अनशन खत्म करेंगी। भूख हड़ताल खत्म करने के साथ साथ एरोम ने राजनीति में आने और शादी करने का भी ऐलान किया है। एरोम ने पश्चिमी इंफाल में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट अदालत में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि वे मणिपुर में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगी। 42 साल की एरोम ने बीते 16 सालों से ना कुछ खाया है और ना पिया है, उन्हें नाक से जबरन आहार दिया जा रहा है। एरोम ने नवंबर 2000 में सुरक्षा बलों के हाथों 10 नागरिकों की मौत के बाद आफसपा हटाने की मांग करते हुए भूख हड़ताल शुरू की थी। भूख हड़ताल पर बैठने के 3 दिन बाद ही उन्हें मणिपुर सरकार ने खुदकुशी की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने जाते जाते भी ब्याज दरों में कटौती नहीं की। राजन ने अपने कार्यकाल की अंतिम आर्थिक हक नीति में पॉलिसी रेपो रेट और कैश रिजर्व रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया। आरबीआई ने आज अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पेश करते हुए रेपो रेट को 6.5% और CRR को 4% ही बरकरार रखा। आरबीआई ने मार्च 2017 तक रिटेल महंगाई दर 5% रहने का अनुमान जताया है। पहले भी इसी दर का अनुमान था। आरबीआई ने कहा कि महंगाई 5% के पार भी जा सकती है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए 7.6% वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा। आरबीआई गवर्नर के तौर पर ये रघुराम राजन की आखिरी मॉनिटरी पॉलिसी थी। वे 4 सितंबर को अपने 3 साल के कार्यकाल के बाद रिटायर होंगे। अगली मॉनेटरी पॉलिसी 4 अक्टूबर को पेश की जाएगी। दक्षिण सागर चीन को लेकर हाल में भले ही द हैग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ने चीन के खिलाफ फैसला किया था, लेकिन चीन को इस फैसले की परवाह नहीं है। हाल में आई सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हो गया है कि विवादित साउथ चाइना सी में चीन अपने कब्जे वाले द्वीपों पर एयरक्राफ्ट बढ़ाकर अपनी पकड़ बना ली है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने फायरी क्रॉस सूबी और मिसचीफ रिफर्स पर एयरक्राफ्ट हाउसिंग का कंस्ट्रक्शन किया है। सबसे ताजा तस्वीरें से ये पता चला है, जुलाई के आखिर में यहाँ की जो तस्वीरें ली गई थी उनमें कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट नहीं था, लेकिन बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट हाउसिंग को चीनी वायुसेना के लिए बिल्कुल तैयार रखा गया है। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान का मानना है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक टेक में शानदार शॉट देने वाले एक्टर है। सोहेल खान के निर्देशन में बनने वाली फिल्म फ्रीकी अलीन में नवाजुद्दीन एक गोल्फर के भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में वे पहले अंडर गारमेंट्स बेचने वाले सेल्समैन के रूप में दिखाई देते हैं।
इसके बाद वह एक स्थानीय गैंगस्टर के रूप में दिखते हैं जो क्रिकेट खेलता है। बाद में वह गोल्फ खेलने लगते हैं। रविवार को फ्रीकी अली का ट्रेलर जारी होने के अवसर पर नवाजुद्दीन ने बताया कि उन्होंने पहले कभी गोल्फ नहीं खेला है। ये एक तकनीकी खेल है और उन्हें इसे सीखना पड़ा। उन्होंने 10 से 12 दिन तक गोल्फ का अभ्यास किया। नवाजुद्दीन का कहना है कि फिल्म में अंडर गार्मेंट्स के विज्ञापन से जुड़ा संवाद बेहद मुश्किल था और उन्हें इस डायलॉग को बोलने में काफी दिक्कत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कार्यक्रम 70 साल आजादी जरा याद करो कुर्बानी की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के मुताबिक इस अभियान का मकसद हर व्यक्ति में देशभक्ति की भावना विकसित करना है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने बताया कि इस अभियान का मकसद हर व्यक्ति में ये भावना विकसित करना है कि राष्ट्र पहले है और व्यक्ति बाद में। ये लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों के आजादी की लड़ाई में दिए गए महान बलिदान की याद दिलाएगा। नायडू ने कहा, 15 अगस्त से एक सप्ताह की तिरंगा यात्रा भी लोगों में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना जगाने के लिए शुरू की जाएगी। सांसद और विधायकों से अपने निर्वाचन क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा में भाग लेने को कहा गया है। कल शाम लोकसभा में भी जीएसटी बिल पास हो गया। इस पर वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जीएसटी बिल का मतलब ग्रेट स्टेप्स बाय टीम इंडिया है। ये बिल साबित करेगा कि आखिरकार कंज्यूमर ही किंग होगा। बिल देश की गरीबी से लड़ने के लिए गरीबों की फौज की मदद करेगा। इसलिए बिल के तहत गरीबों के काम आने वाली चीजों को कर के दायरे में बाहर रखा जा रहा है। इससे पहले सदन की कार्रवाई शुरू होते ही केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी बिल को संविधान संशोधन बिल चर्चा के लिए पेश किया। जेटली ने इस बिल को राज्यसभा में पास कराने के लिए सभी पार्टियों का शुक्रिया भी अदा किया। जीएसटी को आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। जेटली ने इससे पिछले एक दशक का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म करार दिया था। महाराष्ट्र एटीएस ने हिंगोली से मोहम्मद रईसुद्दीन सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। रईसुद्दीन स्कूल में मास्टर है। रईसुद्दीन को परभणी से रविवार को गिरफ्तार मोहम्मद इकबाल से पूछताछ के बाद पकड़ा गया है। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से लिंक होने के मामले में पिछले एक महीने में परभणी से 3 और हिंगोली से 1 यानी कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सबसे पहले 14 जुलाई को नासिर बिन की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद शहीद की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद से 1.5 किलो विस्फोटक और आईडी भी मिले थे। दोनों से पूछताछ के बाद शनिवार की इकबाल शेख को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र एटीएस का दावा है कि इकबाल के घर से एक पत्र मिला है जिसमें लिखा है कि वह खुद को इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन के आका बगदादी को समर्पित कर चुका है। यूपी और देश की राजधानी में हलचल मचा देने वाले बुलंदशहर गैंगरेप के मुख्य आरोपी सहित 3 शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी पुलिस ने कल देर शाम मेरठ के मावाना में छापा मारकर आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में 2 की पहचान सलीम और जुबेर के रूप में की गई है। गिरफ्तार किए गए 3रे आरोपी की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। मेरठ जोन के आईजी का दावा है कि पकड़े गए 3 आरोपी छेमार बावरिया गिरोह के सदस्य हैं। मुख्य आरोपी सलीम शहरनपुर का रहने वाला है। मामले से जुड़ी विस्तृत जानकारी देने के लिए आईजी नोएडा में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ ही वे बुलंदशहर गैंगरेप के आरोपियों को पकड़ने के लिए चलाए गए विशेष अभियान का खुलासा करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बीते 1.5 साल यानी जब से सरकार बनी है तब से लेकर अब तक के सभी फैसलों की फाइलें मंगाई है। दिल्ली सरकार के सूत्रों से ये खबर आई है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद एलजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि अब सरकार के फैसलों की समीक्षा की जाएगी। एलजी नजीब जंग ने दिल्ली सरकार के सभी उच्च अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी कोई भी फाइल मंत्रियों को ना दिखाई जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया था कि केंद्र सरकार का वो नोटिफिकेशन जिसमें सर्विसेज को केंद्र सरकार का विषय बताया गया था वो सही है। इसके बाद अब एलजी ने इस विषय को दिल्ली सरकार से अपने तहत ले लिया है। कश्मीर घाटी में गत एक महीने से हिंसा जारी रहने के बीच सेना को राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को नियंत्रण में लेने और प्रदर्शनों में शामिल होने के वास्ते ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जाने वाले लोगों का आवागमन रोकने का निर्देश दिया गया है। इस कदम पर जहां कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है लेकिन मामले के बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और आतंकवाद निरोध में स्थानीय पुलिस की सहायता करने वाली सीआरपीएफ को सड़क खोलने के कार्य से हटा लिया गया है। इसके साथ ही सेना से कहा गया है कि वे राजमार्ग नियंत्रण और कॉरिडोर संरक्षण का काम करे जो
अर्धसैनिक बल द्वारा किया जाता था। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती चाहती है कि केंद्र सरकार कश्मीर में शांति के लिए पाकिस्तान और हुर्रियत समेत सभी भागीदार पक्षों से बातचीत का सिलसिला शुरू करे। उन्होंने कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात में सूबे में शांति का फॉर्मूला सुझाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव नहीं, दोस्ती का सेतु बनाना चाहती है। कश्मीर में सभी धड़ों के बीच सार्थक, सकारात्मक और परिणामदायी वार्ता की जरूरत है। उन्होंने केंद्र सरकार से समयबद्ध एक्शन प्लान बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को कश्मीर पर साहसिक फैसला लेना चाहिए। गृहमंत्री से महबूबा की मुलाकात के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनाथ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से इस मसले पर चर्चा की थी। माना जा रहा है कि इस बैठक में कश्मीर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने और वार्ता शुरू करने पर विचार विमर्श हुआ। पाकिस्तान ने पहले कश्मीर में मारे गए हिजबुल आतंकी बुरहान वानी को आज़ादी के लिए लड़ने वाला करार दिया और अब पाकिस्तान ने आतंकवादी बुरहान वानी की तस्वीर को आज़ादी स्पेशल ट्रेन पर जगह दी है। 14 अगस्त को ये ट्रेन पेशावर से कराची जाएगी। ट्रेन पर बुरहान वानी की तस्वीर बतौर शहीद लगाई गई है। साथ ही बीते दिनों कश्मीर हिंसा में मारे गए लोगों के पोस्टर को भी ट्रेन के बोगियों पर लगाया गया है। पाकिस्तान के साथ ही भारत के कुछ अलगाववादी नेता भी इस भारत विरोधी अभियान में पाकिस्तान सरकार का साथ दे रहे हैं। कश्मीर में रहने वाले अलगाववादी सैयद अली शाह गिलानी ने खुशी जताते हुए ट्रेन की बोगी पर लगे बुरहान वानी के पोस्टर को ट्वीट करते हुए लिखा है, स्पेशल आजादी ट्रेन 14 अगस्त को पेशावर से कराची के लिए रवाना होगी। इस पर कमांडर बुरहान वानी और दूसरों की तस्वीर लगी है। इससे पाकिस्तान का दौरा चरित्र सबके सामने आ गया है। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।